हेलो एवरीवन, आज के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अप्रैल। आज हम लोग देखेंगे 28 अप्रैल का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने खुद के चैनल शिक्षा 3.0 पे, जिसका टैगलाइन है फॉलो द एक्सीलेंस। यहाँ पे मैं बैंक, SSC, कैट इन सभी के लिए क्लासेस लेता हूँ लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का, और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है क्या, द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू विच इंस्टीट्यूट डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुदा। कौन से इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर का डेवलपमेंट किया है जिसका नाम रखा गया है रुदा, वो हो जाएगा हमारा IIT बॉम्बे। हालांकि इसको बनाने के लिए IIT बॉम्बे के स्टूडेंट, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NIT श्रीनगर, इन सारे स्टूडेंट, इन सारे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट मिल के इसको कंप्लीट डेवलप किया गया है। लेकिन इसका जो डिजाइन जो है इनिशिएट किया गया था एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे के थ्रू। ठीक है, बता दो कि ये इसका जो कॉस्ट है इस वेंटिलेटर को बनाने के लिए, एक वेंटिलेटर को बनाने का कॉस्ट अप्रोक्स 10,000 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि विच नेशन वाज टॉप द मिलिट्री स्पेंडर इन 2019, यानी कि 2019 में कौन से नेशन ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में टॉप किया, यानी किसने सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया है, उसका जो आंसर है वो है US। मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है ये जारी किया गया है सिप्री के द्वारा। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसका नाम दिया गया था ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, इसके थ्रू US बिकेम द फर्स्ट पोजीशन, चाइना ऑन सेकेंड पोजीशन, इंडिया ऑन थर्ड पोजीशन एंड रशिया ऑन फोर्थ पोजीशन। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसने किया था, US ने, देन चाइना ने, देन इंडिया ने, देन रशिया ने। ठीक है, US ने अप्रोक्सीमेटली 732 बिलियन US डॉलर खर्च किया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है हमारे पास। विच नेशन फाइनेंस मिनिस्टर अनवेल्ड 100% स्टेट बैक बाउंस बैक लोन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस। कौन से नेशन के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनवेल्ड किया है, तो इसका जो आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सोनक ने बोला है, बताया है कि एक 100% स्टेट बैक बाउंस बैक लोन स्कीम दिया जा रहा है किसके लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ताकि जो कोरोना वायरस पैंडेमिक से बहुत ज्यादा क्षति जो पहुंची है उसको थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाया जा सके। ठीक है गाइस, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEML भी बोलते हैं। BEML के कौन बन गए हैं CMD रिसेंटली, तो बने हैं अमित बनर्जी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सो पार्ट ऑफ लद्दाख एज विच नेशन टेरिटरी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ये बताया है एक पार्ट ऑफ लद्दाख को किस नेशनल टेरिटरी के, किस नेशन के टेरिटरी के, इसका जो आंसर है हमारा वो है चाइना। चाइना के अंदर लद्दाख का कुछ हिस्सा आएगा जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। ठीक है, अब छाई चीन जिसको हम लोग बोलते हैं एज अ पार्ट ऑफ चाइना टेरिटरी इन बाय नाउ। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च जगन्ना विद्या देवना स्कीम, ये स्कीम है क्या, मैं पहले इसके बारे में बता दूं कि ये और कुछ नहीं, स्टूडेंट के लिए स्कीम लाया गया है। ये स्कीम स्टूडेंट के लिए लाया गया है स्टडी के लोन के लिए, यानी स्टडी के लिए फाइनेंस मिलेगा। ठीक है, तो कौन से स्टेट चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लाया है, इसका जो आंसर सही जवाब है वो है हमारा क्या, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश CM, यानी आंध्र प्रदेश विधानसभा, आंध्र प्रदेश CM YS जगनमोहन रेड्डी लॉन्च द जगन्ना विद्या देवीना स्कीम। ठीक है गाइस, ऑन 28 अप्रैल 2020 एट टेडापल्ली इन गुंतूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंतूर डिस्ट्रिक्ट में टेडापल्ली में इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 4,000 करोड़ तक का अमाउंट क्या किया जाए, रिलीज किया जाएगा, और इतना जो ये 1,880 करोड़ टुवर्ड पेंडिंग अमाउंट लेफ्ट बाय द अर्लियर गवर्नमेंट,
और इतना जो है पेंडिंग अमाउंट है जो पिछले गवर्नमेंट के द्वारा रह गया था उसके लिए। चलिए नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन एज यूएस इनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के लिए किसको नॉमिनेट किया गया यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट है मनीषा सिंह जो नॉमिनेट की गई है। जैसे कि आपने पता जैसे कि आपने हम लोगों ने देखा यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा किसके लिए, तो OECD के लिए बाय द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मनीषा सिंह ऑलरेडी करंट अभी अभी जो सर्विंग पे है पोजिशन पे है एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर एट द स्टेट डिपार्टमेंट। ये ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हैं मनीषा सिंह, पिक्चर को ध्यान रखिए, इसे नाम याद रहेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वेयर वॉज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 ऑब्जर्व, ये कब मनाया जाता है? तो मैं बता दूं कि ये मनाया जाता है आपका 28 अप्रैल को, और इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं देख लेता हूँ बता देता हूँ आप लोगों को। द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 वाज ऑब्जर्व ऑन 28 अप्रैल। इसका फोकस क्या था? फोकस ऑफ द डे दिस ईयर टू फोकस ऑन एड्रेसिंग द आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शस डिजीज एट वर्क अमिड द कोविड-19 पेंडेमिक। ये हमारा क्या था, इस साल का थीम समझ लीजिए, फोकस था। अब जब ये बात करें वर्क के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कहाँ पे है? हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गाय राइडर है, राइडर है। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंडेड किया गया था, ये तो 1919 में, यानी 1919 में इसे क्या किया गया था, फाउंडेड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ऊपर स्क्रीन के ऊपर है, विच कंट्री हैज ज्वाइन द नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम टूगेदर विद अमेरिका, कैनेडा, नॉर्वे एंड कतार। तो इसका जो आंसर है ये क्या है, साउथ अरेबिया। ये है क्या, इस नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम जो है ये करना, इसका वर्क क्या है, तो इनका काम क्या है कि ये चेक करना कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, यानी जीरो कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, समझ रहे बात। इसका क्या है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, सऊदी अरेबिया कैपिटल होता है रियाद एंड इसका करेंसी होता है सऊदी रियाल। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल इन मिल्की वे गैलेक्सी, व्हाट इज इट्स नेम। इसका नेम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया यूनिक, ठीक है। रिसेंटली एक ब्लैक होल डिटेक्ट किया गया था हमारा मिल्की वे, जो हमारा गैलेक्सी है उसमें, जिसका नाम रखा गया क्या, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्रोजेक्ट धनतक हैज कंप्लीटेड 60 ईयर रिसेंटली। इसका आंसर क्या है हमारा, भूटान। भूटान के बारे में आप जानते हैं, भूटान क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैसे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कि भूटान जो है किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते। Now, which state has tied up with Microsoft to train youth for skill development? कौन से स्टेट ने अभी टाइप किया है, वो कौन, हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके, सीएम कौन है एंड देन इसके कैपिटल क्या होते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल बताया आप लोग, जिसका तीन कैपिटल होता है वो सब पता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, जुडिशियरी होती है, और क्या क्या होती है वो आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ स्कीम चलाई जा रही है, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन बनाई गई है, और ये कुछ अदर स्कीम आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस राजेश बिंदल, इनका पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। विच कंट्री हैज रिसेंटली नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर एज जुड़ाव। जुड़ाव नाम देख रहे हैं, जुड़ाव नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ का होगा, चाइना का होगा, ठीक है। इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाइना के बारे में जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट इसके पास है, एप स्टार 6D टेलीकॉम सेटेलाइट है इनके पास, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट चाइना ही है, हाई स्पीड मैगलिफ सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है, वी डू नेविगेशन सेटेलाइट लॉन्च इजिली, ये सारी चीजें चाइना इसके बारे में, ठीक
है, चाइना के कैपिटल की बात करें तो चाइना कैपिटल क्या होता है, हमारा बीजिंग होता है। एंड करेंसी की बात करें तो रेनमिन इज द करेंसी ऑफ चाइना। आप लोग मुझे बताएंगे एज अ इन कॉमेंट कि चाइना के प्रेसिडेंट कौन है अभी, करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चलिए, हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक कॉल्ड द टेल ऑफ हॉर्स, अ जर्नी ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक। ये जो बुक है लिखा गया है यशवनी चंद्रा के, यहाँ पिक्चर में उनका फोटो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इन विच स्टेट लेक हैज द डॉल्फिन पॉपुलेशन डबल, कौन से स्टेट के लेक में डॉल्फिन का पॉपुलेशन का डबल हो गया है, तो वो है हमारा उड़ीसा। मैं बता दूं कि ये छिलका झील, उड़ीसा के अंदर जो छिलका झील है वहीं पे ये चीज रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर कुछ और भी बातें, उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक है, कैपिटल भुवनेश्वर होगा। उड़ीसा के अंदर कुछ मिशन चल रहे हैं, लॉन्च मिशन 0F, क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव उड़ीसा में है किया गया है, लॉन्च ए न्यू स्कीम कॉल्ड गरिमा, शक्ति कोशिया टाइगर रिजर्व और सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गरिमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब के सब कहाँ पे हमारा। गहीर मथा है, क्या है गहीर मथा, ठीक है। चलिए, हु हैज रिसेंटली वॉन 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल, कौन जीते हैं, तो इसका जवाब सिंपल है, राफेल नडाल। बार्सिलोना का 12वां जो बार्सिलोना ओपन हुआ था इसका भी टाइटल राफेल नडाल ने जीत लिया, यानी अपने नाम कर लिया। हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक, न्यू बुक लिविंग माउंटेन, किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष का एक न्यू बुक आया है जिसका नाम है क्या, लिविंग माउंटेन। ये बहुत बड़े ऑथर है, उनका बहुत सारी बुक्स है, ठीक है। नाउ ये जो दो क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, जो कि मैंने पहले बताया था एट ऑस्कर 2021, ये मैंने बता दिया था कल, ये कल का क्वेश्चन था, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर इन अ कॉमेंट। रिसेंटली पास्ड अवे पंडित, डॉक्टर पंडित रंजन मिश्रा वॉज अ फेमस फॉर, फेमस किस चीज के लिए, पंडित रंजन मिश्रा है कौन और ये किस चीज के लिए फेमस है, ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है गाइस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल के सेशन में। अभी के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए गाइस। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन।